फेनोल्फेलिन पिंक जो है वो बेसिक सोल्यूशन में होता है इसका मीनिंग है कि एक्स जो है वो होगा बेसिक और वाई नॉट शो एनी चेंज इन कलर तो इसका मतलब है 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 कि y जो वो बेसिक नहीं तो तो वैसे तो ये न्यूट्रल या एसिडिक कुछ भी हो सकता है ये बेसिक नहीं होगा बस तो ठीक तो ये नॉट बेसिक ऐसे लिखते हैं यहाँ पे नॉट बेसिक अगर हम चेक करेंगे ये सोल्ट जैसे ऑप्शन है तो बेसिक सोल्ट कौन से ऑप्शन में है एक्स में तो सॉल्ट बेसिक होता है या एसिडिक सिंपल है तो ये थे ऐसे होता है स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस या फिर सॉल्ट कैसे फॉर्म हो सकता है और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉग बेस या फिर वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस अब अगर इसमें स्ट्रांग एसिड वीक बेस है तो जो स्ट्रांग है इसके हिसाब से जो है वो सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट होगा एसिडिक ये स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस ये दोनों स्ट्रांग है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल और थर्ड केस जो है को वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इसमें बेस जो वो स्ट्रांग है तो ये बेसिक सॉल्ट बनेगा तो हमें बेसिक सॉल्ट होना चाहिए इसमें एक्स में तो बेसिक मीन्स वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना होना चाहिए अब हम ये चेक करके देखेंगे सब तो जैसे फर्स्ट सॉल्ट जो है वो सोडियम मीन्स एन ओ एच और सीओ थ्री मीन्स कार्बोनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री इन दोनों से बना है ये सॉल्ट तो जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस होता है और कार्बोनिक एसिड जो वो वीक बेस होता है वीक एसिड होता है तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है वो बेसिक ही होगा ठीक है तो एन ए टू सी थ्री तो यहाँ पे ये करेक्ट है अगर ये सेकंड देखेंगे तो ये एन एच और एच टू सो तो फोर से है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है न्यूट्रल जो है उसमें पिंक नहीं होगा थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड जो है एच सेल और एन एच फोर ओ एच स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है तो ये भी एसिडिक सॉल्ट होगा तो इसमें भी पिंक नहीं होगा थर्ड फोर्थ ऑप्शन में जो है एन और एच एन ये भी स्ट्रांग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये न्यूट्रल होगा बेसिक तो नहीं होगा तो एक देख के हमें ये पता चल रहा है कि ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए क्योंकि बस एक ही ये बेसिक है इसमें पिंक होगा अगर हम वाई भी चेक करके देखेंगे तो जैसे वाई हमें बेसिक नहीं होना चाहिए ये भी एक बार देख लेते हैं एनएच फोर सी एल जो है अभी हमने यहाँ पे देखा ये है वीक एसिड प्लस सॉरी स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ड मतलब इसमें है एच सी एल प्लस एन एच फोर ओ एच तो ये होगा एसिडिक तो ये हमें वही चाहिए था बेसिक नहीं होना चाहिए तो ये एसिडिक है तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा